नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं केडीएस राजस्थान। सुजानगढ़ में उपचुनाव को लेकर के तैयारियां बिल्कुल तेज हो चुकी है। उपचुनाव के लिए फॉर्म जो दाखिले की तारीख है वो 23 तारीख से फॉर्म भरने की शुरू हो चुकी है और 30 तारीख आखिरी डेट है फॉर्म लगाने की। तो गतिविधियां यहां चुनावों की बिल्कुल तेज हो चुकी है। राजस्थान में 3 जगह पर इस वक्त चुनाव 17 अप्रैल को होने वाले हैं और उन चुनावों को लेकर के जहाँ सभी पार्टियाँ तैयारियां कर रही है, वहीं एक और अलग तरह की तैयारी है, बेरोजगार प्रत्याशी चुनाव मैदान में। और बेरोजगार प्रत्याशी कौन है और क्या बेरोजगार प्रत्याशी किन मांगों के साथ ये लोग यहां चुनाव मैदान में हैं और प्रत्याशी यहां नामांकन करने के लिए वेंकटेश्वर मंदिर से सुजानगढ़ से रवाना हो चुके हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के कार्यकर्ता रवाना हो चुके हैं सुजानगढ़ के मुख्य मार्ग से, नौकरी नहीं तो वोट नहीं के टैग हाथ में लिए हुए, और आज नामांकन दाखिल करेंगे इनके प्रत्याशी। तो हमारी मुहिम यही है, उपचुनाव में हमें भी इन एमएलए को बेरोजगार बना के यहाँ से भेजना है, नौकरी नहीं तो वोट नहीं। उपेंद्र जी यादव जो कि एकीकृत बेरोजगार राजस्थान संघ के अध्यक्ष हैं, बातचीत करते हैं। ये आपका क्या मतलब, जो बेरोजगार प्रत्याशी जो खड़ा हो रहा है, किस उम्मीद के साथ, क्या जीतने के लिए या क्या आपका फॉर्मूला क्या है? मतलब कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए, सुपड़ा साफ करने के लिए, क्योंकि सरकार लगातार धोखा दे रही है। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर समझौता हुआ था तो हमारी मांगे नहीं मानी, तो हमने निश्चित किया है कि कांग्रेस प्रत्याशी उतारेंगे और किसी भी हालत में कांग्रेस प्रत्याशी को जीतने नहीं देंगे। सरकार तो बार बार बदलती रहती है और बेरोजगारी तो देश की या अपने राजस्थान की समस्या तो बहुत लंबे समय से है। लंबे समय से हर सरकार से लड़ भी रहे हम, हर सरकार से लड़े, सिस्टम में सुधार चाहते हैं, समय पर रोजगार चाहते हैं, नई भर्तियाँ चाहते हैं, लंबित भर्तियाँ पूरी हो, बाहर राज्य का कोटा समाप्त हो, 16 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और सरकार ने जो हमसे वादा किया था 23 फरवरी को रात को 12:30 बजे जो लिखित में दिया था, वो मांगे पूरी करें, उनके लिए हम सड़कों पर उतरे और मतदाता से कह रहे हैं नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान चला रहे, कांग्रेस के खिलाफ पर्चे बांट रहे और हर मतदाता के पास जाकर प्रचार करेंगे, किसी भी हालत में चारों जगह कांग्रेस प्रत्याशी को जीतने नहीं देंगे, हमारी मांगे नहीं मानी। तो क्या जनाधार आप देख रहे हैं यहाँ पर? प्रदेश के हर मतदाता घर में युवा बेरोजगार है और वो गणित बिगाड़ने का काम सरकार का करेगा। तो थोड़ी सी बातचीत करूंगा, आपने पर्चा आप भरने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आपका तिलोक मेघवाल नाम है, तो मैं ये शायद ये कह सकता हूँ कि ये सुजानगढ़ के उपचुनाव में पहला पर्चा दाखिल किया जा रहा है, तो क्या आपकी भावना क्या है और क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि सरकार से जो हमारे 17-18 मांगे हैं वो पूरी हो जाए और युवा पीढ़ी को जो रोज़गार नहीं मिल रहा उसको रोज़गार दें, और जो 2018 से जो कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी जो तैयारी है उनको पूरा कंप्लीट करें, एग्ज़ाम दिलवाएं। उपेंद्र जी, किस तरह की अपील रहेगी लोगों से, जो लोग आप कार्यक्रम को देख रहे हैं या इस चुनाव में वोट करने वाले हैं, जो वोटर हैं? देखो, हर घर में युवा बेरोजगार है, कांग्रेस का गणित बिगाड़ने के लिए आए हैं, हम तो बेरोजगार वैसे ही हैं, इससे ज़्यादा बेरोजगार होने वाले हैं नहीं। यदि मुख्यमंत्री जी हमारे मांगे मानते, वो हमारे अभिभावक है, तो अभियान को वापस ले लेंगे, अन्यथा नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान है, रैली भी होगी,
पर्चे भी बांट रहे हैं, घर घर भी जाएंगे, मतदाता से मिलेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, क्योंकि हर घर में बेरोजगार पीड़ित है। 2013-12 से लंबित भर्ती वाला भी है, नई भर्ती वाला भी है, सिस्टम से मारा हुआ भी है और नौकरी का इंतजार भी कर रहा है। तो जिस प्रकार हमने प्रत्याशी का नामांकन क्यों भराया कि जिस प्रकार एक एक सीट के लिए सरकार लड़ रही है, एक एक मत के लिए जो सरकार के मंत्री एमएलए भागेंगे, उसी प्रकार हम बेरोजगार ये दिखाना चाहते हैं कि एक बेरोजगार एक एक सीट के लिए कितना संघर्ष करता है, कितना रोता है, कितना तड़पता है। तो उन नेताओं को नेताओं की भाषा में जवाब देने के लिए इस बार हमने ताल ठोकी है, चारों जगह ताल ठोकी है। और यदि कांग्रेस ने मांगे नहीं माने, चारों जगह सुपड़ा साफ करेंगे और युवाओं की ताकत दिखाएंगे। यदि मांगे मानती हैं तो हम वापस चले जाएंगे। हमारी लड़ाई केवल रोजगार। आपने नामांकन तो कर रहे हैं, फिर हम मांगे मांग लेंगे तो वापस ले लेंगे। बिल्कुल साहब, ऐसा नहीं है, हमारा राजनीति राजनेता बनना उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य हमारी मांगे माने। यदि कल आप ही सवाल पूछने लग जाओगे आपने वापस क्यों ले लिया, हम तो पहले दिन से स्पष्ट कह रहे हैं कि मांगे मानो, हम वापस ले लेंगे, अन्यथा लड़ेंगे। अरे हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम तो न खाएंगे न खाने देंगे, इसलिए जीतने किसी भी हालत में नहीं देंगे। युवाओं की ताकत सबसे बड़ी है, इसका एहसास सरकार को, कांग्रेस को हम करवा देंगे।